दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे देखो चैप्टर का नाम क्या है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, मतलब क्या हो जाता है, एक ट्रेवलर के नज़र से भारत कैसा दिखता है, भारत यहाँ पे क्या सब चीज़ें हैं, वही सब बारे में हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर में पर्ल एस बग क्या क्या चीज़ बताए हैं वो सारे चीज़ जानेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, ताकि अगर एग्जाम में आए वो क्वेश्चन तो आप वहाँ पे मिस ना करो, आपको वहाँ पे सारा आंसर पता होना चाहिए। देखिए इससे पहले जो भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक सारा वीडियोज ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके चेक करिए अभी तक अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, इसके राइटर कौन हो जाते हैं, तो इसके राइटर हो जाते हैं पर्ल एस बक। इनका जन्म कब होता है वो देखिए, इनका जन्म होता है 26 जून 1892 को, 26 जून 1892 को इनका जन्म होता है वेस्ट वर्जीनिया में और यूनाइटेड स्टेट में। ये जो है वेस्ट वर्जीनिया कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट में है, और इनका जन्म कब होता है ये आपको याद रखना है, 26 जून 1892 में इनका जन्म होता है। पर्ल एस बक इज एन अमेरिकन राइटर, ये कहाँ के राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज टेकन फ्रॉम फेमस बुक पर्ल एस बक माई सेवरल वर्ड्स, ये जो है कहाँ से लिया गया है, यह जो है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज पर्ल एस बक के फेमस किताब माई सेवरल वर्ड्स से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में अगर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर करिए। अभी चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग, यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज एक प्रेरणादायक क्या है, ये एक प्रेरणादायक क्या है, स्टोरी है, नॉवेल है, ड्रामा है या फिर ऐसे है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह जो है एक ऐसे है, यानी एक निबंध है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज एक प्रेरणादायक निबंध है, क्लियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगी। फिर देखिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है द लाइफ स्पैन इन इंडिया वॉज ओनली, द लाइफ स्पैन इन इंडिया वॉज ओनली कितना साल। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत में जीवन काल केवल कितने वर्ष का था, उस समय की बात है जब ये जो है लेखक पर्ल एस बक घूमने आए थे इंडिया, भारत को घूमने आए थे, उस समय यहाँ पे बोला जा रहा है भारत का जीवन काल केवल कितना वर्ष रह गया था, कितना वर्ष का था, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 ईयर, मतलब 27 साल ही केवल औसत आयु रह गई थी। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द, यहाँ पे थर्ड में बोला जा रहा है पर्ल एस बक भारत की यात्रा युवा बुद्धिजीवियों और किसे देखने के लिए किया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्ल एस बक ने जो है भारत की यात्रा किसे देखने के लिए किया, युवा बुद्धिजीवियों के लिए और उसके बाद और किसके लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पीजेंट, मतलब किसान, पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसान, एक फार्मर होता है एक पीजेंट होता है, तो किसानों को देखने के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए चार नौ क्वेश्चन है, कश्मीर वाज इन्वेडेड बाई डैश बारबेरियन इन्वेडर्स, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चार में बोला जा रहा है किस बारबेरियन के द्वारा कश्मीर पर आक्रमण किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको अभी यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सारा चीज़ देखना होगा, समरी देखना होगा, इस चैप्टर के बारे में क्लियर तरीके से आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, वैसे आप इसको याद कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन आपको फुल कोर्स अगर ज्वाइन करना है या फिर क्रैश कोर्स करना है कम टाइम में जल्दी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना है तो आपको एजुकेशन बाबा ऐप्स डाउनलोड कर लेना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा, वहाँ पर आप जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में अच्छे से बताया जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फाइव नंबर क्वेश्चन में इंडिया हैड टू टेक द वेस्ट वाज, यहाँ पे क्या है, इंडिया हैड टू टेक द वेस्ट वाज, यहाँ पे फाइव में बोला जा रहा है भारत ने पश्चिमी को क्या सिखाया था, भारत ने पश्चिमी देशों को क्या सिखाया था, वो जो है क्या सिखाया था, मानवता सिखाया था, ह्यूमैनिटी सिखाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सिक्स नंबर, और इसमें बोला जा रहा है हु वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच वर्क विजिटेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द यंग ब्रदर, द यंगर ब्रदर, वैसे यहाँ पे कहीं कहीं आपको ये मिलेगा
कहीं आपको कुछ और लिखा हुआ मिलेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए जो अभी आपका बुक में दिया हुआ है। आगे देखिए क्या है, 7वां क्वेश्चन इसमें है, पर्ल एस बक केम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू, मतलब साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है भारत के बारे में जानने के लिए पर्ल एस बक किसके माध्यम से आए थे, तो किसके माध्यम से आए थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिज्म के माध्यम से आए थे। अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है पर्ल एस बक वाज ए एन डैश बाय बर्थ, यहाँ पे 8 में बोला जा रहा है कैसे पर्ल एस बक जन्म से क्या थे, वो जो है जन्म से क्या था, वह एक अमेरिकन थे, जन्म से क्या क्या थे, अमेरिकन थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 9वां क्वेश्चन में है, इन द एस से इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज पर्ल एस बक गिव्स, यहाँ पे 9 में बोला जा रहा है यहाँ इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो निबंध है इसके माध्यम से पर्ल एस बक क्या चीज़ बतलाते हैं, क्या चीज़ दिखलाते हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए रियल पिक्चर ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल, मतलब भारत और उसके लोगों का वास्तविक तस्वीर, जो पिक्चर होता है वास्तविक, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनको परेशानियाँ हो रही है, वो सारा चीज़ अच्छे से वो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज ये जो निबंध लिखे हैं उसमें बताए हैं पर्ल एस बक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, इसमें है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज हैज रिटन बाय, मतलब ये जो है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज ये जो निबंध है ये लिखा गया किनके द्वारा है, ये लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। बट यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन जो है 10वां जो है सेम 11वां में भी पूछा गया थोड़ा सा बदल के, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज रिटन बाय, मतलब यहाँ पे ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे हैज़ बीन रिटन बाय, यहाँ पे इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, पर्ल एस बक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे 12वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है डैश हैज़ प्रेस्ड इंडिया पीपुल, इंडियन पीपुल यहाँ पे होना चाहिए, इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ, तो यहाँ पे 12 में बोला जा रहा है क्या चीज़, किसने भारत के लोगों और उसके जीवन की प्रशंसा की, तो पर्ल एस बक जो आए थे घूमने भारत को देखने, किसानों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए जो देखने आए थे उसमें, उस समय जो है पर्ल एस बक इंडिया को देखे, यहाँ के लोगों को देखे और उसकी बहुत प्रशंसा की, यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, सही काम करते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, वो सारा चीज़ देख के उसकी प्रशंसा की है। अब यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज़, यहाँ पे 13 में बोला जा रहा है पर्ल एस बक के अनुसार नेता का मुख्य गुण क्या है, नेता का मुख्य गुण जो होता है सेल्फलेसनेस होता है, सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता जो होता है ना वो एक मेन क्वालिटी होता है लीडर्स में, नेता में, वो चीज़ यहाँ पे पर्ल एस बक बताते हैं। अब यहाँ पे उसके आंसर यहाँ पे अच्छे से हो गया, जो जो अभी क्वेश्चन देखें सारा चीज़ का आंसर है। आप हमें यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर फेसबुक पे आप लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को, वहाँ पे आपको जो है डिटेल्स मिलते चलेगा, आगे वीडियोस का कुछ नोटिफिकेशन आया बोर्ड एग्जाम के द्वारा वो सारा चीज़ आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिलते चलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।